वेलकम टू द बैकबेंचर्स क्लासरूम। और आज की वीडियो में दिखाएंगे कैसे एक कवर पेज, चाहे वो बुक कवर पेज हो या फिर प्रेजेंटेशन कवर पेज, डिज़ाइन किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले मार्जिन को रिड्यूस करना है, इसके लिए लेआउट पे क्लिक करें, मार्जिन पे क्लिक करें, कस्टम मार्जिन। उसके बाद हर एक साइड की वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर दें और ओके पर क्लिक करें। उसके बाद इग्नोर कर दो वार्निंग मैसेज को। तो आप पेज रेडी हो चुका है डिज़ाइन के लिए। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाके शेप पे क्लिक करना है और एक रेक्टेंगल शेप लेना है और उसे यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है। अब उसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप छोड़ने वाला हूँ, लेकिन दोनों साइड का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सेम रख के उसके बाद ही इसको ठीक से लेंथ दूंगा, तो ये गैप परफेक्ट रहेगा। थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि दोनों साइड से एडजस्ट हो जाए, हाइट और इसका लेंथ सेम रहे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा हाइट इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से भी इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये तो एक शेप हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद इसका कलर सेट करना है। मैं यहाँ पे ग्रे कलर देने वाला हूँ, ये लाइट ग्रे को। उसके बाद आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है, क्योंकि कोई भी शेप में आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरा का पूरा डिज़ाइन सिर्फ रेक्टेंगल शेप से ही बनाने वाला हूँ आज। तो फिलहाल इंसर्ट में जाके दूसरा रेक्टेंगल शेप लेना है और उसे करना है, ड्रॉ करना है शिफ्ट प्रेस करके, ताकि स्क्वायर बन जाए इस तरह से। ओके, अब इसे मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा इसको रोटेट करने के बाद। और ध्यान रहे ये जो एंगल है पिछले शेप का, उसी शेप में, उसी एंगल में यहाँ पे मैं इसे प्लेस करूँगा। लेकिन यहाँ पे मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, इसके लिए मैं इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ इसका वाइट। अब यहाँ से भी इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ, इसका आउटलाइन को रिमूव कर देता हूँ और कलर को मैं ये ब्लैक कर देता हूँ, जिसमें 90% डार्क हो। अब इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसे कवर कर दूंगा पूरा का पूरा इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, अभी यही गैप मेंटेन करके और भी शेप मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। तो फिलहाल के लिए मैं यही शेप को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद उसे प्लेस करूँगा यहाँ पे सेम शेप, ये गैप को छोड़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। परफेक्ट, सिर्फ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इन दोनों को थोड़ा सा वाइट दे देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे और पेज भी कवर हो जाए। यहाँ से भी मुझे मेंटेन करना है। ओके, अब इसको कवर कर दे रहा हूँ। परफेक्ट, अब इसी को कॉपी ले लेता हूँ और उसे भी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ गैप छोड़कर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, और इसे छोटा कर देता हूँ, इसका व्हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ और इसी को कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इस वाले शेप का अलाइन जो है, ये बॉर्डर अलाइन, इसी को मेंटेन करके इसको भी प्लेस करना है। मैं यहाँ तक ही लूँगा इसे, ओके। अब इसको भी यहाँ से कवर अप कर देता हूँ ताकि कॉर्नर ना दिखे। और
अब इसको फिर से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इस तरह से, और इसे भी थोड़ा सा इंक्रीस कर देता हूँ। तो लगभग ये शेप बन चुका है। अब मैं अब इसे कॉपी कर लूँगा ताकि ये वाले ट्रायंगल शेप को फिल कर सकूँ इस शेप की मदद से। तो चलिए इसे प्लेस करते हैं। इसके लिए मैं सेम अलाइन डायरेक्शन में रखूँगा ताकि प्रॉपर डायरेक्शन होने से ये कवर अप हो जाएगा पूरा का पूरा। इसका हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ इस तरह से, ऐसे प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। ये हो गया। अब इसी को कॉपी करके ऊपर भी करना है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा छोटा साइज कम। ओके, अब ग्राफिक्स का काम शुरू करने से पहले मैं टेक्स्ट का काम करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मुझे इंसर्ट में जाके शेप पे क्लिक करना है और एक टेक्स्ट बॉक्स को लेना है, और मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। कवर पेज एक्चुअली बहुत सारे चीज़ों के लिए बनाया जा सकता है। बुक के लिए हो सकता है, प्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन का कवर पेज भी बनाया जा सकता है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टाइटल देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कवर पेज टाइटल, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है। कवर पेज टाइटल, इसका मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा वैनस्क्रिप्ट सेमी कॉन्डेस्ट, यानी ई वाला। और इसका फॉन्ट साइज़ दूंगा मैं 48x50, 48 ही दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका मैं फॉर्मेट में जाके शेप फिल और शेप आउटलाइन को क्लियर कर दूंगा। ओके, अब इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर आप चाहे तो इंसर्ट में जाके भी ले सकते हैं नया टेक्स्ट बॉक्स। मैं यहाँ पे ईयर दे दूंगा 2020, क्योंकि अगर बुक होता तब भी उसका पब्लिश्ड ईयर दे सकते थे, प्रेजेंटेशन में भी दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ईयर का। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट चूज़ करूँगा एरियल ब्लैक, और फॉन्ट साइज़ होगा 80 पॉइंट। ओके, अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को, और इसे थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। ओके, आप फिर से मुझे यही टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करना है, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंटेड बाय, देखिए प्रेजेंटेड बाय, और इसका मैं साइज दे रहा हूँ 12 पॉइंट, और फॉन्ट होगा कैलिब्री बॉडी। ओके, अब इसको कैलिब्री बॉडी में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको कैलिब्री बॉडी कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय लिखा है, क्योंकि क्योंकि ये जो टेम्पलेट है मैंने प्रेजेंटेशन के लिए सोच कर लिख रहा हूँ, इसलिए प्रेजेंटेड बाय यहाँ पे डाल दिया। अगर बुक के लिए होता तो पब्लिश बाय, रिटन बाय, या कोई ऑथर का नाम, या और भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते थे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ प्रेजेंटेड बाय ही लिखूँगा। तो प्रेजेंटेड बाय बीबीसी ट्यूटोरियल्स। अब इसे मैं टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसे थोड़ा सा नीचे डाउन कर देता हूँ। अब इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हेडिंग, और हेडिंग का मैं फॉन्ट दूंगा एरियल, सिर्फ ओनली एरियल ये वाला, इसे बोल्ड करूँगा, और फॉन्ट साइज होगा 20 पॉइंट। और इसी के हेडिंग का डिस्क्रिप्शन भी होगा, कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी आप कोई बुक लिख रहे हैं या बुक का कवर पेज है तो उसके बारे में भी कुछ दो चार लाइन लिख सकते हैं हेडिंग के साथ, या प्रेजेंटेशन है तो किसी
किस टॉपिक की वजह से प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं उसका कवर पेज में आप डाल सकते हैं। तो मैं उसी के लिए ये हेडिंग और हेडिंग का डिस्क्रिप्शन प्लेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डमी टेक्स्ट, तो डमी टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे नोटपैड पे मैंने लिख रखा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली ये डमी टेक्स्ट इंटरनेट में ही मिल जाएंगे आप लोगों को, मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका अनबोल्ड करना है और इसका साइज मैं 10 पॉइंट कर देता हूँ। ओके, इसका साइज, इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और इसे भी वाइडर कर देता हूँ इस तरह से। अब अलाइनमेंट में जाके इसको जस्टिफाई करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। ओके, अब यही हेडिंग वाला पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा कंपनी नेम। कंपनी नेम अगर प्रेजेंटेशन है तो नेम तो चाहिए ही, किस कंपनी के लिए है। अगर बुक कवर हो तो पब्लिश्ड बाय जो जो होगा, या एडिटर का या फिर प्रेस का नाम लिख सकते हैं आप। वही इंसर्ट में जाके मुझे अब लोगो इंसर्ट करना है कंपनी का, तो पिक्चर में जाऊंगा दिस डिवाइस, उसके बाद ब्राउज करना है इमेज कहाँ पे है। तो मेरा इमेज है कवर पेज में यहाँ पे ये वाला। क्योंकि ये मूवेबल फॉर्म में नहीं है इसलिए इस इमेज को लेआउट में बदलना है। इसके लिए राइट क्लिक करें, रैप टेक्स्ट पे जाएं और इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दें ताकि ये फ्लेक्सिबल हो जाए मूव करने के लिए। अब इसे छोटा करना है और प्लेस करना है यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बढ़िया लग रहा है। और इसका टेक्स्ट भी मैं 80 पॉइंट कर देता हूँ, 18 पॉइंट, ताकि दिखने में अच्छा लगे। देखिए ये लगभग हो चुका है लेकिन कुछ खामियां नज़र आ रहा है डिज़ाइन में, तो उसी को क्लियर करूँगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को और इसको छोटा कर देता हूँ इस तरह से। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और इसका कलर दे दूंगा ये वाला ऑरेंज येलो, इसी को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इस वाला पॉइंट पे क्लिक करना है ताकि फॉर्मेट शेप का स्लाइड बार निकल आए। अब फिल में जाकर इसका ट्रांसपेरेंसी 50% करना है इस तरह से। अब ये इसी को कॉपी करना है, कॉपी करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूंगा यहाँ पे, इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे बिठा दे रहा हूँ और दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पे ही बिठा दे रहा हूँ, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ओके, अब इन तीनों का तो हो गया, लेकिन मुझे जो करना है यहाँ से कुछ शेप को क्लिक करके सेलेक्ट करना है ताकि इन सबको ग्रुप बना सके। तो राइट क्लिक करके ग्रुप बनाना है, उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट करना है ताकि ये येलो शेप पीछे चले जाए। अब ये ग्रुप वाले शेप को क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट में जाके जाने के बाद शेप फिल पे क्लिक करना है, उसके बाद पिक्चर्स, उसके बाद फॉर्म में फाइल और ब्राउज करना है इमेज को। यहाँ से मैं ये वाला इमेज को लेने वाला हूँ और इंसर्ट करने वाला हूँ। देखिए ये इमेज आ चुका है और देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये वाले शेप को मैं कलर दूंगा, इसको मैं फॉर्मेट में जाके येलो ऑरेंज का कलर दूंगा यहाँ पे बस। और इसी के साथ डिज़ाइन भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।